ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਪਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे कि हमने कल स्टेटस अपलोड किया था कि एक आपको जबरदस्त किस्म का शौक भी दिखाएंगे और कुछ जबरदस्त दिलचस्प सी गुफ्तगू भी होगी। और हम लाहौर के एक ऐसी जानी मानी छत पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ना लाहौर में बहुत जल्द एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जिसकी लोगों को बड़ी तवील अरसा मेहनत करके फिर वो मकाम मिलता है। इन्होंने बहुत जल्द ही अपनी या फशानी से कह लें, मेहनत से कह लें, लगन से कह लें, अपने आप को लाहौर के सरे फहरिस्त छतों में ला के शामिल कर लिया। मेरी मुराद है वर्ल्ड चैंपियन हाफिज नईम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से जी? शुक्र ठीक ठाक है। और मेरे साथ दूसरे शुरका मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी हसमुख शख्सियत उस्ताद मलिक मुबशिर खोखर साहब, और इस साइड पे मौजूद है फेमस हमारा जाना पहचाना नाम उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी साहब। इधर हमारे पास एक और चैंपियन बैठे हुए हैं 2022 जेठ उस्ताद शहबाज मेंबर साहब, और साथ लाहौर का एक और जानी पहचानी छत उस्ताद साजिशाह साहब, और इधर हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मलिक शहबाज खोखर साहब, मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये है जी इधर जैन साहब मौजूद है, और इधर है जी सबके फेवरेट नबील खोखर साहब, नबील साहब जी। दोस्तों ये शुरका आपने माशाल्लाह देख ही ली है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलें, जैसे मैं अर्ज यही करना चाह रहा था आप लोगों से कि हमारा शुरू से ये एक ही मोटिव रहा है कि शौक में मुकाबलों को फ़रोग देना, प्यार मोहब्बत को फ़रोग देना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फ़रोग देना। और हमारे पेज से हमेशा से यही पैगाम दिया जाता रहा कि प्यार और मोहब्बत को लेके ही हमने इस शौक को आगे लेके चलना है। और मेरी आज भी उम्मीद है अपने शुरका से भी, और गुजारिश भी है कि वो अपना जो भी मौक़िफ़ देना चाहेंगे वो इंतहाई महज़ब शाइस्ता और इस अंदाज से देंगे जिसमें ना सिर्फ किसी की दिलेदारी हो और इस शौक को बल्कि इससे उस शौक को फ़रोग मिले। जिस तरह के ये बड़े नाम हैं, जिस तरह के ये बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरह का इनका बड़ा कैलिबर है, लोग इनके फ़ैन हैं, लोग इनको चाहते हैं, उसकी वजह इनकी परफॉर्मेंस है, इनका फ़न है, और उसी को ये बढ़ा के आज इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो ये अपनी गुफ्तगू में भी इसी तरह का तर्ज अमल से बयान करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि अगर किसी हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस अंदाज से लोगों के सामने आए कि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो और लोगों तक हकाइक भी पहुँचे। जी मलिक साहब की हाल चाल नहीं? ठीक ठाक हो? हमारे मेजबान आ रहे हैं बेटा, स्टिल कर लेते कुछ देर। क्या ला मैनेजर गल करदा मैं तो गल स्टार्ट तो नहीं मेरे का ये आ रहे हैं, स्टिल कर लेनी थी ना, मैं बोलया हूं चुप हूं। चलो जोड़ लेंगे हम, तू कर लो कटी। जी मैं जिस तरह मैं कह रहा था कि हमारी गुफ्तगू हमारा अंदाज, क्योंकि जितने बड़े कैलिबर के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको उनकी प्रेजेंटेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। और सबसे पहले हाफिज साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हाफिज साहब पहले तो 2023 की आपको बहुत बहुत माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग सीजन रहा आपका, चेतर से आप स्टार्ट हुए हैं, चेतर बैसाख जेठ और अस्वद। जेठ का मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी तैयारी कोई खास नहीं थी, उड़े पे हम पहली दफा ही थे। हाँ, और जबरदस्ती आपसे हमने एंट्री भी ली, छत भी ली, और आपने कहा यार रहने थे नहीं है, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप सभी को लपेटा फेरने लगे थे, यानी इतने अच्छे माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी रही, और एकदम आप यानी सारे फहरिस्त आके खड़े हो गए लाख वाले टूर्नामेंट में भी और बाकी टूर्नामेंट में भी, और वन टू वन मुकाबले भी माशाल्लाह आपके बहुत जबरदस्त रहे। यानी हालांकि आप पहली दफा हिस्सा ले रहे थे और पहली दफा में ही आपने
इस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्या कहेंगे सर? कारकर्दगी मेहनत है, मेहनत की है लड़कों ने, तीन चार लड़के हैं, इनकी टीम बनी हुई है, ये अभी भी आप ऊपर देखें तीन लड़के बैठे हुए हैं, ये दिन रात एक करते हैं, रात की भी ट्रेनिंग देते हैं, दिन में भी आते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो हीला वसीला ना इस छत का वो शेख अतर साहब है, उनके नाम के बगैर जो है ना हम कोई भी कप नहीं जीत सकते थे। शेख साहब के फैन कैसे हुए? शेख साहब के फैन जी मैं इंटरव्यू देखता था, अच्छा, वो उनकी बातें मैं सुनता था, तो वो बड़ी अच्छी और धीमी बातें करते थे, बड़े मजेदार, तो फिर मैंने शेख साहब को कॉल की, मैं मिला उनके साथ, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मैंने कहा ठीक है जी मैं आपके कबूतर उड़ाया करूंगा। वो अब जो उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, वो कबूतरबाजी से हटके भी इकलौता रिश्ता है, वो इंसान इस तरह के हैं, वो मैं उनके बारे में कहता हूँ वो कबूतरबाजी के मलंग है, दरवेश इंसान है वो, उन्होंने समझ लिया, उनकी दुआओं से सब कुछ मिला है, और एक हमारी नीयत साफ थी, एक शेख साहब ने हमें यह सबक पढ़ाया था कि ईमानदारी की जीत जो है ना उसकी खुशी है, तो हमने जो भी काम किया यहाँ पे ईमानदारी से किया, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पे कोई दो नंबरी करें, और ना ही कभी इंशाल्लाह इस छत से कभी होगी। जेठ पहली दफा उड़ाया, कैसा एक्सपीरियंस है? जेठ हमारी तैयारी कोई नहीं थी, वो इस तरह आपने भी फोन किया, नहीं जी आप सब आपकी एंट्री लिखनी है, हमने बोला लिख लें, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन जेठ वाला मौसम अभी आएगा गर्म, तो फिर पता चलेगा हमारी परफॉर्मेंस का, लेकिन शेख साहब जो है वो असल गर्मी के ही चैंपियन है वो। एक चीज मैं पूछना था, जो मेरा एनालिसिस जो मेरा तस्सिया, वो मैंने ये देखा है कि आप बातों की बजाय मुकाबलों यानी अमल को ज्यादा तरजीह देते हैं, प्रैक्टिकल को ज्यादा तरजीह देते हैं, यानी जिस किसी ने भी कहा आपने पहली बात की कि शौक हो जाए, यानी मैंने अगर आपको पिछला थोड़ा सा फॉलो अप किया तो देखा है कि आपको किसी ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी बातें छोड़े तो शौक कर लेते हैं। मैं इस तरह हूँ, देखें जी किसी अच्छी छात्र वाले ने शौक किया ना तो मैंने उसको इनकार नहीं किया, मैंने उसके साथ शौक कर लिया। अभी भी रिसेंटली परसों मेरा हैदर भाई के साथ बड़ी अच्छी तरीके से मेरा शौक हुआ है, बाबा सिकंदर उनके साथ चार इतवार वसाख की और जीत की बाजियां, इसी तरह हैदर भाई के साथ मेरे मुकाबले तय पा गए हैं, ठीक है, और उनके साथ बड़ा अच्छा शौक देखने को मिलेगा लाहौर में दोस्तों को, उधर से बाबे सिकंदर के साथ मेरे वन टू वन मुकाबले हैं, अच्छा, और वन टू वन मुकाबले मेरे हैदर भाई के साथ है, अच्छा, इसी तरह बाजी लगी है तो शौक अच्छा होगा देखने के जी, वसाख और जेठ जी, वसाख और जेठ के ये मुकाबले जी, यानी जी, अच्छा ये मुकाबले हैं कितने अर्से? ये अभी तो लगे हैं वसाख और जेठ के, उसके बाद पांच साल के हैं, अच्छा, चेतर विसाख अगले साल से पूरा सीजन है, अगले साल से चेतर विसाख जेठ और असु जी, यानी वो पांच साल का पैटर्न लदा जी, इस साल से विसाख और जेठ के मुकाबले जी, इस साल से जी, चलिए गुड लक जी जी, आपके लिए नेक तमन्ना है। अब हमारे कुछ दोस्त साथी हमारे भाई, ये शबाज भाई ने चले जाना, इन्होंने सेवन के लिए निकलना है। जी शबाज साहब बड़े से बात दीदार कराया, कैसे हैं आप? पूछो तुझे सुनाओ, ठीक हो? सब खैर में। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों, की कहोगे शौक दे वाले नाल हाफिज साहब की शौक दे वाले? हाफिज जी ईमानदारी ना शौक करदा, ठीक है, ओदी नीयत साफ है, ठीक है, सब तो वड्डी बात है वे के मतलब इस टाइम आए ने ना एना नहीं वेखना, ठीक है, मतलब उड के भी आया ठीक है, इन्हें पला मार देना, नेरे ते लाउन दे जिहड़े ने ना नेरे ते लाउन दे, ठीक है, हाफिज तेरी मास्टर ने, ठीक है, ते अच्छी नेर नहीं कि शौक कर देने अल्लाह इज्जत देता है, ठीक है, बेईमान नहीं गए साडा गलत भी आया तो कटाता साडा गलत कट दियो बई, ठीक इत्थे सही कट जांदे ने, आहो मुल्ला मल कितें आउंदे ने सुनना पे मैं, ठीक है, तो मतलब सही कट जांदे ने, ठीक ओहदा की इहदा शिकर सी सुनना पे मैं, ठीक है, चंगी माड़ी थले सौ बंदा बैठा थी उन्हें माधी कट दी, नहीं 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 गलत गलत मैं नहीं मतलब रुकांगा सुनना, मुला हो भावे जेड़ा मर्जी हो लाहौर च, ठीक है, जी गलत गल है वह गलत है, वह गलत माधी कट के गया सा तकलीफ आई तक भी, मोहब्बत का जी अजकल माशाला मेरा भाई खूब मेहनत भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और पूरे लाहौर की नजर च भी है, हर एक की नजरे आपकी छत की तरफ है, क्या कहेंगे शाही?
पहले सब अस्सलाम वालेकुम जी यही शौक माशाल्लाह अच्छा करीदा है ते अल्लाह दा शुक्र है के छत्तरा मुकाबले तय हुए ने ते इंशाल्लाह अच्छा शौक दिखावांगे लोकां नूं ते शौक है अच्छा प्यार मोहब्बत दा ते जिहड़ा शौक साजा कराम दी इज्जत ना करे ओह इस काबिल नहीं होंदा के ओह शौक होवे इहदे नाल ठीक है ते तमाम साजा कराम दी जिहड़ी इज्जत करनी चाहीदी है ते शौक जिहड़ा प्यार मोहब्बत दा ते ना दा ही बदमाश है शाही लड़ाई झगड़ा इस गेम शौक बर्बाद हो माड़े बंदे ठीक है असि शौक करना चाहे असि लड़ना ही चाहे किसी बड़ी जरा बदतमीजी कोई पेश आवे ओनू कहो भाई अस्सलाम वालेकुम जी सलूट मार दिया बिलकुल दूसरी गल ऐ गल है के ओ उस दिन बहस हो रही जवाब दिता ही उन्हें मियां अहमद साहब ने मियां अहमद कह रहे कि मैं तेनू नहीं किया गलतफहमी हो गई तो बाद च मियां अहमद साहब ने फिर उस दिन बोल गया ने गल कर दी गया फिर आने तेनू नहीं अही किया ते जो कह देंदे ने ते बाद च मुकर जांदे ने लेकिन मैं हम ज्यादा तरफ जाना नहीं चाहता गल तरफ ज्यादा बहस अच्छी गल नहीं है तो मतलब बाबर साहब भी कह रहे हैं कि जरा शौक जरा सा बंद मतलब मुंसर ना शौक नहीं मां के साड़ी पार्टी कर असि हूं भी नहीं करते ना बाद कर रहे ते जोया साहब है मैं पार्टी दे राणा सनाउल्ला साहब ओ नाल ही कह रहा कि शौक नहीं हुंदा तो कह रहा कि पार्टी जी ना पार्टी शिगिर्द अपने कर ले नाल लगे फिरते ने शायद देखो फिर उसताद ने ओ कोई मठे नहीं है जिन्हू किताब दे रहे जी शहीदे मीदे अगर ए लफज कोई हो पार्टी बारे बोले तो क्या उन्होंने बुरा ही लगेगा उन्होंने जवाब देना फिर कल कहना अस तेन तेन गल ही नहीं की तू जवाब देना पे जिन्होंने गल हुई है जी उन्होंने बारे ओ जवाब दे इस चीज का एक आने शौक नहीं हुंदा उस बयान ही जोईया कह रहा कि तू उन्होंने शिगिर्द कर तो फिर शौक होगा पहले पहले कोई फैसला कर लिया शौक करना है या नहीं करना नहीं करना एक कह रहा शौक नहीं होना ते एक कह रहा जी ये शगिर्द इन्हां नूं कर ले ते शौक होएगा बिल्कुल बिल्कुल शाही प्यार मोहब्बत दा शौक है ते होर कोई गल करे दूसरा बंदा अहीं किसे होर दा जवाब देना भी नहीं चाहते ठीक है ना ही बदतमीज हां ते ना बदतमीज बंदे नाल शौक कर रहे हां बहुत अच्छी किसे नूं जे चाहत हैगी शौक दी कर लै ते सानूं भी कोई चाहत नहीं हैगी किसे नाल एवें शौक करन दी बड़ी अच्छी शौक प्यार मोहब्बत है जे लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर कबूतर भी छड़ दियो बिल्कुल ते असि एहो जे बंदे नहीं है कि शौक करना चाहते नहीं प्यार दा प्यार पैगाम प्यार दा पैगाम देना चाहिए कि जिस शौक लई हाजरी खिदमत हां जी ठीक है ते बाकी रह गई गल इस शौक च शौक नु शौक रख के करना चाहिए सारिया नु प्यार मोहब्बत नु फरोग देना चाहिए है ते जी मलिक साहब की हाल चाल ने ठीक ठाक हो खरे हुई जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह कैसी तैयारी चल रही है जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक चल रही है ठीक तैयारी चल रही है हां जी ते इस सारी सूरत हाल दे हवाले नाल और इस चीज दे हवाले नाल अगर थोड़ा कोई मौकफ मौकफ शाह जी कोई नहीं मौकफ यही है कि असि चार भरावां इकट्ठे ठीक है अगर मेनू कोई बंदा बाजी दी आवाज देंदा है ना मैं ओनू ए नहीं कहिंदा हैगा कि मैं तेनू 20 छत्ता देना मैं ओनू तेनू 50 छत्ता देना या मैं तेनू 30 छत्ता देना असि चार भरा साडा एक असि अपना यानी कि खुशी दे नाल एक ग्रुप बनाया आई समझ असि लोगों नू ए नहीं कहना हैगा कि मैं तेनू 50 छत्ता देना वे मंग पिन के छत्ता असि नहीं देनियां ठीक है साजे गामे माजे सानू कहा जा रहा है ठीक है असी तो देखो मैं अपनी छत की गल करना मुंतजर अपनी करता है नबील अपनी करता कासम अपनी भी करता है यह नहीं कहता यार फलाने फलाने की तेन छत देने फलाने देखो हाफज साहब ने सा बड़ा अच्छा तलक है हाफज अमानुल्ला साडा भरा सा बड़ा अच्छा तलक है होर भी लाहौर च काफी छत्ता ने असी नहीं कभी किसी ने कहा यार मैं तेन हाफज नईम वाली भी छत दी फलाने भी दी धमकाने भी दी देखो CMP पार्टी यानी कि तुसीं समझ लो 10% छत्ता इन्हां दी अपनियां ते 90% बाहर दी छत्ता ने असीं तां यार इतराज नहीं कदी कीता असीं तां किसे नहीं कदी किसे दी इज्जत नहीं खराब कीती कि साजे गामे माजे कै ठीक है सब तो पहले तनवीर कुरैशी ओह इन्हां दी पार्टी दा नहीं हैगा यानी कि इन्हां दा शागिर्द नहीं हैगा
मुला नदीम तारा वाला इन्हों की शगिर्द नहीं है। अकील शाह साहब ने ठीक है और अपना अमिया मोशी है ठीक है इस तरह होर भी बड़िया छत्तां ने एक साजिद भट्ट साहब एक खुरम साकब है हकीम सलमान जगदानवी है इन्हों के शगिर्द नहीं है छत्तां ये देंदे ने कोई बंदा इन्हों आवाज दे देंदा ना 28-30 छत्तां चुक के कट्ठियां करके उन्हों दे देंदे ने यार असी तो नहीं देंदे ठीक है असी क्यों साजे गामे माजे तुसी सानू कहन डे ये जोईया साहब तुसी भरा हो देखो तुसी अच्छे शकीन हो तुहाडियां जिन्नियां चैंपियन और अच्छियां छत्तां ने उन्हां सारियां दे नाल मेरा भी शौक होया है मेरे शगिर्दां दा भी होया हुण तुसी बदो बदी जबरदस्ती एक बंदा गेम च नहीं है एक बंदा प्लेयर नहीं है ओदी खातर तुसी अपना भी शौक खराब कर रहे हो साडा भी कर रहे हो भरा जी असीं लड़ना नहीं है ना असीं कोई गलत गल करनी ते तुहाडी मेहरबानी इस गल नूं अवॉइड करो तुसी अपनी जंग लड़ो असी अपनी लड़ने ही कहते यार कबूतर उड़ने ने कबूतरां दी गल है ठीक है एक बंदे नाल शौक नहीं हो रहा तुसी जबरदस्ती लड़ झगड़ के शौक कर रहे इंज शौक तो नहीं हुंदा शौक जिहड़ा हरीफ हुंदा तुहाडा सरमाया हुंदा तुहाडा भरा हुंदा जोईया साहब तुसी मैं तुहानू मुखातब करके गल कर रहा तुहाडा मेरा किस तरह का तल्लक है ठीक है अपने बाजी भी उड़दी भी 2-3 साल हो गए तेरा मुनसा मेरे हले आन डे कोई मामला नहीं है कोई गल नहीं कोई बात नहीं देखो सानू तो इंज का प्लेयर चाहिए है जिस तरह हैदर साहब तुसी हो हां जेड़ा हुण कोई बाल उठ के सानू वादा कराई जावे यार साडा स्टेटस ही नहीं है असी अपने लैवल दे नाल शौक करना है ठीक है तुहाडियां जिन्नियां चैंपियन छत्तां उन्हां नूं मेरे शगिर्द भी लगे ने मैं भी लगा वा शौक हो रहा है तुसी किसी बंदे की खातर अपना शौक खराब ना हां गेम दे चक बंदा नवा आया 2-4 साल उड़े सानू पता लगे अच्छा शौकीन है अच्छा शौक कर रहा है तो कोई नहीं अलहमदुल्ला असी शौक करांगे ठीक है इंज थोड़ा हुंदा भज के किसी बाल ने आवाज दी तो उन्हें मगर नस जाऊंगे ठीक है तो मेहरबानी है असी दोबारा ना लाइव आना है ना सानू जरूरत है तो ना असी झगड़ा करना ना असी बदतमीजी करनी है तुहाडी मेहरबानी है साडे नाल शौक जिहड़ियां जिहड़ियां तुहाडियां अच्छियां छत्तां दा लगा है ठीक है और इंशाला तला तोड़ चढ़ेगा फिर भी लगता रहेगा हुण तुसी जबरदस्ती कोई छत मसलत साडे ते करो ओह नहीं होनी ठीक है किसी एक बंदे दी खातर अपनी सारा ही गेम खराब ना करो ना साडी करो ना अपनी करो लड़ाई आले पासे ना हो ना असीं लड़ना चाहने तुहाडी मेहरबानी है अच्छा शौक होया ते उहनूं हुंदा रहिण दिओ बड़ी अच्छी गल है बहुत अच्छा जी मैसेज दिता है अपना मुनसर भाई ने भी इसी तरह किस्म का पैगाम दिता है यही पैगाम हाफिज साहब ने अमली तौर पे हाफिज ने वर्ल्ड चैंपियन साहब ने दे दिया है ये हमारे पास है अब नबील भाई नबील साहब बिलकुल उस्ताद जी मुबशर भाई ने बहुत अच्छा गल्ला कीतियां ने जेड़ा हैदर भाई ने गल कीती है ना कोई साजे दा कोई माजे दा है उन्हें गलत गल कीती है अगर असी इस तरह की कोई गल करिए ना तो फिर साडे ते हैदर च कोई फर्क नहीं रहा जदा असी हर उस्ताद की इज्जत करने साडे काबिल एहतराम ने इज्जत की जगह ने ठीक है शौक माशाला मुबशर का हो रहा उन्होंने अच्छा हो रहा है ठीक है तो वह वेखन का जरा मजा आएगा मुनसर भाई कितने घरों से आपके माशाल्लाह मुकाबले मेरे शायद 15 कलाम लगे हैं वो गए हुए मेखा में अभी काफी और भी लग जाएंगे हां इंशाल्लाह ताला जी कई कई बंदे शाही कई बंदे बड़े भज भजे लोगों नु कह रहे हैं मुनसर ना शौक ना करो मुनसर ना शौक ना करो भाई की ख्वाहिश बंदे कोई डा के जीते ना मेनू तो मेनू मजा आवे के वाकई भी मेरे तेरे तो बाद बिठाए ने कबूतर तो फिर रोला रूला पान की जरूरत है नहीं बड़ी छप का या कहीं पानी है इज्जत जिला तो जाना बल्ला ताला है बहुत बड़ी गल की थी अल्लाह का हुक्म है किसी नु बुरा ना कहो ते हर एक इज्जत करो उस्ताद दी ते असी ना बदतमीज ना बदतमीज बंदे ना शौक करांगे किसी ना ठीक है प्यार मोहब्बत ना शौक करो जिन्हें करना है ते जेड़ा अगर साडा नहीं करना चाहते तो ना करन क्यों जी दुनिया कबूल भी तो बंदे कर देने जिस लहजे लहजे सुनना पे मैं ठीक गल कर सुनना जवाब देना मसला भी होता है लहजा वेखो ने सारे लाहौर नु कसूर नु उन्हें चैलेंज किया आजो जेड़ा जेड़ा भी है ठीक है जो जेड़ा जेड़ा है सुनना पे मैं ठीक आए नी फिर तकलीफ किस गल दी ठीक फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी शाह जी मैं तो यही कहंगा जेडी उदन इन्हां सारिआं बह के गुफ्तगू कीती है गलत लहजे च कीती है ते असी उस्तादां दी इज्जत करने आ और करदे रहांगे ते शाह जी असी शौक करन नूं तैयार भी सां बाकी शौक असी करके अपना असी नैक्सट जेड़ा शौक खराब नहीं करना हैगा क्योंकि असी लड़न वास्ते कबूतर रखे ही नहीं लड़ाइयां वास्ते होर बड़े काम ने होर बड़े सिस्टम ने
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਪ ਕਿਸ ਮੁਤਲਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਹਿਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਇੰਜਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉਂਜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਖਣ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਆ ਜੇ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੱਥੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਤੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਦਰ ਤੇ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਛੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਾਦਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਨੇ ਨੀ ਸਨ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਮੁਨਸਰ ਭਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਬਰਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਪਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 100 ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਾਉ ਨਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਰਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਭਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪਵੇ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥੂ ਫੱਤੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਈ ਖਾਮ ਖਾਈ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਭਾਈ ਆਏ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਅਬ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ, ਉਸਕੋ ਉਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਗੇ ਸੇ ਨਏ ਸਿਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਇੰਦਾ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਂਗੇ, ਤੋ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਹਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਇੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ, ਯੇ ਆਇੰਦਾ ਹਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ ਹਮ,
कि उसने ये कहा था तो हम ये कहेंगे। अब जो भी कहता रहेगा वो अपनी तकरीर रखेगा, हमारे तक नहीं वो बात आएगी, ना हमने उसको इतनी अहमियत देनी उसकी बात को। जिसने शोक करना है वो फोन करके शोक कर ले, फोन नहीं करना हमारे घर आए वेलकम, हम बैठेंगे, बैठ के प्यार मोहब्बत वाली बातें भी करेंगे, उसके साथ खाना शाना खाएंगे, शोक भी करेंगे। शोक इस तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि रोज हम भी लाइव आ जाएं वो भी लाइव आ जाएं। लिहाजा मुबशर भाई, मुंतजर भाई, इन्होंने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, मैं इनके फैसले की साथ हूँ कि आइंदा हम लाइव नहीं आएंगे, किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिसने शोक करना है वो शोक की दावत दे और शोक कर ले बस, नहीं करना फिर भी ठीक है, उसमें भी हम खुश हैं। बहुत मुस्बत पैगाम गया है जी आप लोगों की तरफ से, और आपकी गुफ्तगू से ये महसूस हुआ है कि आप बड़ों की इज्जत करते हैं, असातिज़ा को एहतराम की निगाह से देखते हैं, और यही शौक की जीत है। हमें शौक के फरोग के लिए मिलके काम करना है, शौक को बढ़ाना है, उसमें मसाइल क्रिएट नहीं करने। और जिस स्पिरिट का मुजाहरा आज मुंतजर साहब ने, उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब ने, शहबाज मेम्बर साहब ने, और स्पेशली हाफिज साहब ने, हाफिज नहीं वर्ल्ड चैंपियन साहब ने, और कासिम साहब ने, इस तरह नबील साहब ने, इन सब दोस्तों ने किया है, और वो काबिल सताइश है। और उम्मीद है कि इससे शौक में बेहतरी के रस्ते भी खुलेंगे, और जो बड़े हैं वो अपना किरदार खुद अदा करेंगे कि हमें इस शौक को बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। तो ये एक आज का बड़ा ही खूबसूरत अच्छा मैसेज है। बंदे जी असि पिछले 20-25-30 साल तो इज्जत कर रहे हैं, तो नवा बंदा बेच आके पावे यार, चलो ओनू तो उन्नी सेंस नहीं होगी, अस आप ही सोच लेने यार अच्छी गल नहीं है। एक बंदे दे पिछे लाके ते लाला लाला चकाई ने तो गल ते कोई भी नहीं, थोड़ा थोड़ा तो शौक होया है, और आगे भी अगे जिवे इन्हां नाल हो रहा इंशाल्लाह तआला होवेगा। जिन्ना चिर बंदे नूं पूरी यानी कि गेम नहीं ना आएगी या प्लेयर नहीं बनेगा, उहदे नाल की शौक करना जी, हर घंटे बाद नवी गल, हर घंटे बाद नवी गल, असी तुहाडे वेले नहीं हैगे, हर घंटे हर गल दा जवाब दे, किसी होर तो ना बाजी लगी राती छाती नहीं आया, असीं किसे दे पाबंद थोड़े आ के असीं शौक करना। मैंने अपने इंटरव्यू में कह दिया जी, मेरी बाबे सिकंदर के साथ डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया था, मेरी बाजी डायरेक्ट बाबे सिकंदर के साथ लगी है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा, जिसकी मर्जी लगवाए, लेकिन मेरी बाजी जो है ना बाबे सिकंदर के साथ लगी है। पोस्ट लगाने में कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से वो पोस्ट के ऊपर मराहा लगा दें, ठीक है, हमारी जो बाजी ना वो बाबे सिकंदर से लगी है, चैलेंज बाबा सिकंदर करदा लगती पई है। ठीक है, ते बंदे फोन करके कहंदे ने कि बाजी साड़ ना लगी है, सुनना पे चैलेंज बाबा सिकंदर ने कीता, सानू इस गल दी समझ नहीं आई। मीडिया वाले को भी फोन किया इन्होंने, तो मैंने इस बात को भी मैटर नहीं किया, अब इस बात को भी बढ़ाए हम तो अच्छी बात नहीं है। शोक हैदर भाई के साथ मैं खुद ही बात कर लूंगा, वो अच्छे इंसान है हैदर भाई, उनके साथ अच्छे तरीके से मैं जो है ना इसको डिसाइड हो जाएगा हमारा शोक हुआ बाबा सिकंदर के साथ, वो आगे जिसकी मर्जी चाहता है, चैलेंज उन्होंने किया, शौक हमारा उन्हीं के साथ होगा और बड़े प्यार मोहब्बत से होगा, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कोई लड़ाई वाली झगड़े वाली बात ना होगी, ना हमने करनी है। ये आखिरी इंटरव्यू है, लिहाजा आइंदा हम मीडिया पे भी नहीं आएंगे, ये रोज रोज भी आना अच्छी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई बात हो उनकी तरफ से कोई बात हो तो मजा नहीं है, ये शौक की खिदमत नहीं है। नहीं देखे जी, वो ये जितने बैठे हुए हैं सारे उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन की सारे रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पार्टी भी करते हैं, बाबर भी अच्छा है, सारे उनकी पार्टी के, नईम शफी, वसीम शफी, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं इनके पास। देखिए हार जीत जो है ना वो तो मैटर ही नहीं ना करती, तो लिहाजा जो है ना मोहब्बत बड़ा पैगाम है, पिछली बातें खत्म कर दें, आगे जो है ना प्यार मोहब्बत से चलें, कोई किसी किस्म का इंटरव्यू एक दूसरे के खिलाफ मत दें। अब ये नहीं है कि आज हमने ये इंटरव्यू बनाया, कल आप इसके बारे में जवाब देने के लिए आ जाएं, आप जवाब दे भी देंगे, लिहाजा इधर से कोई जवाब नहीं आएगा। खत्म हो गई सी बाबा सिकंदर जो चेयरमैन पार्टी का जाके उधर चेयरमैन साहब का शिकिरद हो गया, हर गल खत्म हो गई सी, जो उन्हें चैलेंज किया तो उन्हें ललकारे सुनना पे, मैं ठीक लाहौर नू भी कसूर नहीं, तो फिर लोगों ने अगों जवाब तो देना ही है। चले अब तुरा भाई इसको एंड करें, इन्हीं आपके अल्फाजात पे एंड कर रहा हूँ कि जो आपने गुफ्तगू की है वो आपने समाप्त कर दिया, आपने खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह समाप्त कर दिया कि जी शौक की बात होनी चाहिए और देंगे कि और हमें और किसी किस्म के मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक मुस्बत पैगाम है। इसी अल्फाजात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।